हाय, अब हम डिस्कस करें लेटर सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट सी। इस क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑटोमोबाइल कंपनी है सीरियल नंबर फॉर इंजन पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 00 to 99। द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्ट आर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, मटेरियल एंड क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। मतलब कि हमारे पास ऑटोमोबाइल की कोई इंजन बनने वाली कंपनी है, उसके किसी पार्ट्स को हमें स्टोर करवाना है और पार्ट का जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी 00 से 99 तक, ये हमारे पास में स्टोर्ड है। अब हमें काम क्या करना है, स्पेसिफाई ए स्ट्रक्चर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन करोस्पोंडिंग टू ए पार्ट। एक पार्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन ऑन पार्ट्स विथ सीरियल नंबर बिटवीन BB1 एंड CC6। मतलब BB1 से लेकर CC6 तक की जो रेंज है, उनके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमें डिस्प्ले के अंदर शो करवाना है। तो इसके लिए चलते हैं हम प्रोग्राम के अंदर टर्बो सी के अंदर और फिर इसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। फाइल सेव कर देते हैं CH17DC.C include stdio.h include conio.h void main clrscr for clearing the screen, gtch for holding the screen output। ये हो गया हमारे पास में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है जो कि पार्ट को शो करेगा। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और ये हो गया इंजन। ये हम इसको सेव कर देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या क्या एड्रेस, क्या क्या डिटेल शो करनी है। एक तो हमें करना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर किसके अंदर सेव करेंगे हम, सीरियल नंबर 00 3 कैरेक्टर का है हमारे पास में, 3 कैरेक्टर का ले लिया हमने। उसके बाद में हमारे पास में आता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ये हो जाएगा इंटीजर के अंदर। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में मटेरियल एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी आ गई, ये भी इंटीजर होगी। और मटेरियल हमारे पास में ऑब्वियस ही बात है कि कैरेक्टर टाइप में होगा, स्ट्रिंग टाइप में होगा, तो ये हमने इसको दे दिया 10 कैरेक्टर की साइज। फाइल हमने सेव कर दी, तो ये हमारा रन करा के चेक कर लेते हैं। अभी तक कोई हमारे पास में एरर नहीं आई है, मतलब कि स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन करा एकदम सही है। अब हमें इसको स्टोर करना है। स्टोर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको डिक्लेयर करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को यूज करना है एज ए वेरिएबल। तो क्या करेंगे, हम एरे डालेंगे इसके अंदर। जैसे जैसे इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे स्ट्रक्चर एरे डिक्लेयर हो, कैसे, strcpy struct इंजन, ये हो गया डेटा का टाइप। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं पार्ट्स नाम से एक एरे डिक्लेयर कर दिया, और उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज जब हम करेंगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को अलग अलग दिखते रिकॉर्ड करने हैं हमको, उस तरीके से जैसे हम नॉर्मल इंटीजर एरे होता, 2D एरे होता, कैरेक्टर एरे 2D होता, तो उसके अंदर कैसे सेव करते, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है इसके अंदर, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर स्टार्ट कहां से करना है, 00 से। ये हमने बोल दिया 00। उसके बाद हमें सेव करना है ईयर, तो मान लीजिए 2020 में बना था। उसके बाद क्वांटिटी दे दी हमने इसकी 100। मटेरियल मटेरियल देना है, मटेरियल दे दिया इसके अंदर की मान लीजिए हम आयरन। ये दे दिया हमने AA1 2020, 50 पार्ट्स हो गए, और ये बन गया हमारा फाइबर। ऐसे हम सीरीज लेते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी बोला गया है कि हमें कहां से कहां तक का फिल्टर करना है, BB1 से लेके CC6 तक का। तो हमने मान लीजिए कि पूरी सीरीज करते हुए जाएंगे तो हम इतना तो बड़ा एंटर करेंगे नहीं, हम एक एक चीज को यहाँ पे डिपेंड कर देते हैं। BB1 से लेकर गए 2022 के अंदर बना 10 इसके पार्ट्स थे, और ये किसके बने, स्टील के। इसके बाद में आ गया, मान लीजिए BB2 आ गया हमारे पास में, और ये हो गया
2023 के अंदर बना, 50 पार्ट्स हो गए, और ये किसका आ गया हमारे पास में, फाइबर का आ गया। उसके बाद हमारे CC0 आ गया हमारे पास में 2022 के अंदर, 60 पार्ट्स हो गए, ये हमारे पास में स्टील का बन गया। CC6 आ गया हमारे पास में 2021, 50 आयरन। और एंट्री हमें कहां से कहां तक करनी है, FF9 तक ले जा सकते हैं। तो लास्ट में हम FF0 से FF8 और FF9 पर एंट्री कर देते हैं। FF8 इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम नॉर्मल एरे की तरह इनको इनपुट भी ले सकते हैं, जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर के स्ट्रक्ट वेरिएबल के अलग अलग एलिमेंट्स को हम एंट्री करते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम कीबोर्ड के थ्रू स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं जो हमें बोला गया है। 70 पार्ट्स हो गए, स्टील का हो गया, ये हो गया हमारे पास में FF9 2022। ये हो गया हमारे पास 78, और ये हो गया हमारे पास में आयरन। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर को हमने इनिशियलाइज कर दिया, फाइल को हमने सेव कर दिया, उसको हमने रन करा दिया, तो कोई भी एरर हमारे पास में आई नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि फिल्टर लगाना है, किसके ऊपर डिस्प्ले करना है, स्पेसिफाई प्रोग्राम टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन पार्ट्स विद सीरियल नंबर बिटवीन BB1 एंड CC6। BB1 और CC6 के बीच के अंदर हमें कंपेयर करना है, तो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास में string.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर हमारे पास में अवेलेबल है कुछ फंक्शंस, उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। string.h, string.h के अंदर कौन सा वेरिएबल फंक्शन अवेलेबल हमारे पास में, strcmp। कैसे काम करता है एक बार वापस उसको चेक कर लेते हैं। देखिए strcmp के अंदर दोनों स्ट्रिंग को जब हम कंपेयर करेंगे, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो हमारे पास में आउटपुट में आएगा 0। अगर S1 सबसे पहले आ जाता है कि S1 लेस देन आती है, मतलब कि S2 ग्रेटर देन आ जाती है, तो आ गया हमारे पास में लेस देन 0, और S2 अगर ग्रेटर देन आई तो हमारे पास में आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसी बेस के ऊपर हमें इनको कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बीच में इसको पूरा का पूरा रन कराना है, कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में इंजन के पार्ट, ये हमने पूरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। अब एरे को एक्सेस करना है तो इंडेक्स के बेस के ऊपर स्कैन कर सकते हैं, तो हमने इंडेक्स को करने के लिए हमने ले दिया आई, आई को इनिशियलाइज कर देते हैं हम फोर लूप के अंदर ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रिंट करवा देते हैं एक एक चीज को, फोर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या है हमारे पास में लेंथ इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसकी स्ट्रक्चर की लेंथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अपने पास बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं। printf हर डेटा को शो करने के बाद में न्यू लाइन में चला जाएगा, अदरवाइज printf के अंदर पूरा डेटा शो करता रहेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले तो करेगा किसको शो हमारे पास में स्ट्रिंग सीरियल नंबर को, उसके बाद में न्यू टैब, उसके बाद में करेगा इंटीजर वैल्यू, उसके बाद में न्यू टैब, फिर करेगा हमारे पास में इंटीजर वैल्यू, फिर आ जाएगा हमारे पास में न्यू टैब, उसके बाद में आ जाएगा %s। कैसे एक्सेस करेंगे इसको, एक्सेस करने का सिंपल सा तरीका है पार्ट्स आई डॉट, किसको करना है सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, पार्ट्स आई डॉट ईयर, पार्ट्स आई डॉट क्वांटिटी, पार्ट्स आई डॉट मटेरियल। स्ट्रक्चर एरे के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो करते हैं हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू, और अगर पॉइंटर स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिक्लेयर करा हुआ होता है और उसके अंदर अगर हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, एरो ऑपरेटर के थ्रू। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल F9 करा, वन एरर आ रही है हमारे पास क्वांटिटी QUAN, पूरा का पूरा हमारे सामने डिस्प्ले आ गया कितने हमारे पास में AA0TD AA1 एंट्री कर दिया हमने। ओके, ये क्यों आया, क्योंकि हमने 3 कैरेक्टर का था हमारे पास में, हमारा जो डेटा था वो था,
लास्ट स्ट्रक्ट, जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं, कैरेक्टर एरे की बात करते हैं, तो लास्ट वाला अगर हमें एज ए स्ट्रिंग यूज करना है तो लास्ट कैरेक्टर उसके अंदर नल कैरेक्टर होता है, तो उसके लिए हमें स्पेस छोड़ना पड़ता है। अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा हमारे पास डबल ए जीरो, डबल ए वन, डबल बी वन, डबल बी टू, सी सी जीरो, सी सी सिक्स। अब हमें इसके अंदर करना क्या है कि बी बी वन से लेके सी सी सिक्स तक का जो डेटा होगा वो फिल्टर करके हमें डिस्प्ले करवाना। तो कैसे काम करेंगे इसके लिए, ये तो हो गया हमारे पास पूरा का पूरा डेटा हमने जो प्रिंट कर दिया था उसको। प्रिंट एफ नीचे करते हैं एंड फिल्टर्ड डेटा, फिल्टर डेटा कैसे निकालेंगे, इसी को हमने कॉपी कर लिया, जस्ट इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमें करना कब है, इफ एस टी आर सी एम पी को कंपेयर करना है किसको किसके साथ में, कि पार्ट्स आई डॉट सीरियल नंबर, इसको कंपेयर करना है बी बी वन के साथ। बी बी वन है कि बी बी जीरो है, बी बी वन के साथ में कंपेयर करना है। किनको जब कंपेयर कर रहे हैं, अगर इसका डेटा इक्वल टू जीरो है तो ये हमें प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। एक तो हमारे पास में ये चीज हो गई। तो अब इसके अंदर हमारे पास में प्रिंट में क्यों लेके आना चाहिए, जिसका रिकॉर्ड बी बी वन है, कंट्रोल एफ नाइन करा हमने तो बी बी वन का रिकॉर्ड हमारे पास में डेटा में आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि अगर बी बी वन से कैपिटल में जा रहा है तो भी हम इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। ये सब आ गया, तो इसके अंदर अगर हम कर देते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो देखिए क्या आउटपुट में आ रहा है हमारे पास में, बी बी वन, बी बी टू, सी सी जीरो, सी सी सिक्स। अब दूसरा हमें सी सी सिक्स को कंपेयर करना है कि सी सी सिक्स तक हम इसको ले जा सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, एंड एस टी आर टी एम पी, कैसे करेंगे, पार्ट्स आई डॉट सीरियल नंबर सी सी सिक्स के साथ में हमने कंपेयर कर दिया। अगर इज लेस देन इक्वल टू है किसके, जीरो के, तो भी हमें इनको आउटपुट के अंदर शो हो जाना चाहिए। तो अब इसको हम रन करा देते हैं, देखिए बी बी वन, बी बी टू, सी सी जीरो, सी सी सिक्स आ गया। अब एस टी आर सी एम पी कैसे काम करता है, ये हम कई बार हमारे वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके अंदर क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके चेक कर ले, एक एक कैरेक्टर के साथ हमने इसको कंपेयर करके दिखाया, तो हमारे पास डेटा पूरा फिल्टर हो गया है। अब इसके जगह पर देखिए, अगर इसको हम ये कर देते हैं, ग्रेटर देन कर देते हैं, तो हमारे पास में कुछ भी आउटपुट और ही आ जाएगा रेंडमली, सी सी सिक्स से लेके एफ एफ एट एंड एफ एफ नाइन आ गया। अब एक बार इसको वापस से बता देते हैं किस तरीके से एस टी आर सी एम पी हमारा काम करता है। एस टी आर सी एम पी काम करता है दोनों के कंपेयर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, कि अगर हमारे पास में जैसे बी और सी, जब भी हम पता है कि कैरेक्टर के जब भी बात करते हैं तो वो हमारे पास में आस्की वैल्यू के ऊपर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो जो भी कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो उसकी आस्की वैल्यू को कंपेयर करें, जैसे बी की आस्की वैल्यू है सी के साथ में कंपेयर करेगा तो बी की आस्की वैल्यू लेस देन होती है सी की वैल्यू से, तो उसी में कंपेयर करेगा कि अगर उससे लेस देन आ रही है, अगर बी इज लेस देन है सी जो कि होगा, तो हमारे पास में रिटर्न में क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इस तरह से काम करता है, ये कैरेक्टर कंपेयर नहीं करता, हमेशा उसके आस्की वैल्यू को कंपेयर करता है, तो इंटीजर के ऊपर ही कंपेरिजन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट निकाल के देता है। तो ये हमारा प्रोग्राम इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा डेटा रिक्वायर था वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। ऐसा नहीं है कि सीरीज के अंदर था तो इसीलिए मिला, इसके जगह अगर हम ये कर लेते हैं कि एंट्री ये कर रखी थी सी सी सिक्स, इसके बाद में हम एक एंट्री के लास्ट में अगर रन कर देते हैं, ये करा हुआ मैंने इसको सी सी वन बोल दिया है, तो इसको भी ये प्रिंट में निकाल के देगा हमें, और इसकी हम लेंथ के ऊपर चले जाएंगे, कंट्रोल एफ नाइन, तो सी सी सिक्स, बी बी वन, बी बी टू, सी सी जीरो, सी सी सिक्स एंड सी सी वन, इसने हमको प्रिंट करके नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, ओके ये नाइन तक हमें स्टार्ट करना था क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ तक जाएंगे, तो सी सी वन में हमारा प्रिंट हो गया। ओके, थैंक यू।